लाइफस्टाइल में न्यूडिज्म का क्या मतलब होता है? तो इस चीज को समझने के लिए पहले हम न्यूडिज्म को समझ लेते हैं। न्यूडिज्म अपने आप में ही एक तरह का लाइफस्टाइल है जिसमें लोगों को नग्न रहना पसंद होता है। मतलब वो लोग जो न्यूडिज्म को फॉलो करते हैं वो बिना कपड़ों के रहते हैं, और मैक्सिमम जो लाइफस्टाइल कपल होते हैं वो ज्यादातर न्यूडिस्ट ही होते हैं, और उनको अपनी बॉडी को एक्सपोज करने में किसी दूसरे इंसान के सामने कोई झिझक कोई शर्म नहीं होती। अब कितने ही ऐसे लोग हैं जो कि न्यूडिज्म की अपनी फैंटेसी को एंजॉय करना चाहते हैं लेकिन उन्हें वो उस तरह की सराउंडिंग नहीं मिल पाती, उस तरह का माहौल, उस तरह का एनवायरमेंट नहीं मिल पाता, अपने माइंडसेट वाले लोग नहीं मिल पाते। लेकिन वो लोग जो लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं वो इस फैंटेसी को भरपूर एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि उन्हें उसी तरह के माइंडसेट वाले लोग मिल जाते हैं, उनका अपना ग्रुप होता है। ऐसे ओपन माइंडेड लोगों के लिए जो लाइफस्टाइल होता है वो एक जरिया होता है अपनी हर तरह की फैंटेसी को एंजॉय करने का, जिसमें से न्यूडिज्म भी एक तरह की फैंटेसी होती है जिसे वो खुलकर जीते हैं। इनके अपने कोर ग्रुप होते हैं, अपने माइंडसेट जैसे लोगों का इनका ग्रुप होता है। ये लोग न्यू डे सेलिब्रेट करते हैं, मतलब अगर किचन में कोई खाना बना रहा है तो न्यूड होकर बना रहा है, अगर कोई सर्व करने के लिए आ रहा है तो वो भी न्यूड होकर आ रहा है। इसके अलावा वो अपनी न्यूड पिक्चर्स सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं फेस हाइड करके, न्यूड डांस की वीडियो अपलोड करते हैं अपने फेस को हाइड करके। इनमें उन्हें प्लेजर मिलता है, फुल मस्ती मजा करते हैं, और वो चैलेंजिंग टास्क लगता है जिन्हें इन्हें करने में बहुत मजा आ रहा होता है। ये लोग एक दूसरे की न्यूड बॉडी को देखकर अप्रिशिएट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं, एक्साइट करते हैं। वो क्या है ना कि कपड़े वाली बॉडी के साथ तो हर दूसरा बंदा छेड़खानी कर ही लेता है लेकिन नग्न बॉडी के साथ छेड़खानी करने का मजा लेते हैं। एक दूसरे की बॉडी को टेस्ट करते हैं, फील करते हैं, कभी चॉकलेट के साथ, कभी आइसक्रीम के साथ, कभी केक के साथ, इसका भी अपना मजा होता है इनके लिए। मन किया ओरल कर लिया एक दूसरे का, मन किया मैस्टरबेट कर लिया एक दूसरे का, मन किया एक दूसरे की बॉडी को रगड़ लिया, रब कर लिया, मतलब इस न्यूडिज्म की फैंटेसी को अच्छे से एंजॉय किया। वो क्या है ना कि सेक्स करने के लिए जनरली कपड़े उतारे जाते हैं लेकिन यहाँ पर सबके कपड़े उतरे होते हैं, सभी नंगे हैं, तो ये एक अलग ही तरह की एक्साइटमेंट होती है, एक अलग ही तरह का प्लेजर होता है जिसे ये लोग फील करते हैं। अब आप खुद सोचिए ना कि कपड़े पहने भी अगर दो लोग हैं और उनकी मेंटालिटी एक दूसरे से मैच करती है, एक ही माइंड सेट के लोग हैं, पर्सनैलिटी भी अच्छी कैरी कर रहे हैं, ब्यूटीफुल है, स्मार्ट है, तब वो एक दूसरे को देख के अगर अराउज हो जाते हैं तो यहाँ तो वैसे भी न्यूड है लोग, एक ही तरह के माइंड सेट के हैं, इरेक्ट होगा नहीं होगा। ऐसे में अगर वो लोग अराउज हो जाते हैं, इरेक्शन हो जाता है, तो दे विल टेक इट पॉजिटिवली कि हाँ ठीक है, हो गया, वी आर ह्यूमंस, हो जाता है। कितने ही मेल फीमेल ऐसे होते हैं जो अपने आप को न्यूड शीशे में देखकर एक्साइट होते हैं, उनको एक्साइटमेंट होती है अलग तरह की, उन्हें अच्छी लगती है अपनी बॉडी। टॉवल लपेट लपेट कर जो लड़के होते हैं अपने आप को निहारते रहते हैं, अपने एब्स गिनते हैं या सिक्स हो गए एट बनाने हैं, मतलब ये फीलिंग उनके अंदर होती है। इसी तरह से कितनी ऐसी फीमेल होती है जो अपने फिगर को देखकर पागल होती रहती है, क्या हाँ क्या फिगर है मेरा, वाओ क्या फिगर है मेरा, कमर की साइज से अगर एक दो इंच और कम हो जाए ना तो और मजा आ जाए, अगर बूब्स की साइज जो है ना मेरा थोड़ा सा और बड़ा हो जाए ना तो फिटिंग और अच्छी है। तो ये सब चीजें क्या है, एक्साइटमेंट ही तो होती है अपने को देखकर। तो जब इस तरह से आप खुद को ही देखकर एक्साइट होते हो तो जब आप चार लोगों को जो नंगे हैं एक जैसे हैं माइंडसेट के जब उन्हें देखोगे तो एक्साइट नहीं होंगे, वो एक्साइटमेंट और चार गुना हो जाएगा। तो जो लाइफस्टाइल कपल जो होते हैं वो इसी चीज को तो फील करते हैं जब वो गेट टुगेदर होते हैं न्यूड फॉर्म में, इस तरह की पार्टी अरेंज करते हैं, इस तरह का रिजॉर्ट बुक करते हैं खुद के लिए 3 से 4 दिन के लिए, तो ऐसा लगता है जैसे वो इस दुनिया का हिस्सा है ही नहीं, वो किसी और प्लैनेट पे हैं और अपने न्यूडिज्म की फैंटेसी को एंजॉय कर रहे हैं। और वो ऐसा इसलिए भी कर पाते हैं क्योंकि वो ओपन माइंडसेट के होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है अपने जैसे लोगों का होता है तो उन्हें कोई हेसिटेशन होती ही नहीं है, बस प्राइवेसी मेंटेन करने की जरूरत होती है। न्यूडिटी एक तरह का प्लेजर है, हर इंसान कपड़ों का बोझ लेकर फिर रहा है, मतलब अगर किसी इंसान को ये चीज बोल दी जाए कि बेटा आज तू फ्री है, जो चाहिए तेरे घर पे ही अवेलेबल हो जाएगा, तुझे जैसे चाहिए बता दे, क्या करेगा वो? अगर उसे फ्रीडम मिल गई तो वो नंगा होकर बेड पर कूदेगा। तो यही चीज तो करते हैं वो लाइफस्टाइल कपल, नंगा होकर कूदते हैं, एंजॉय करते हैं, प्लेजर फील करते हैं। लेकिन हाँ एक चीज जरूर है, इस चीज को वही लाइफस्टाइल कपल एंजॉय कर सकते हैं जिसके अंदर न्यूडिस्ट छुपा हुआ हो और वो बाहर निकलने के लिए तड़प रहा हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर 10 लोग लाइफस्टाइल कपल हैं तो उनमें से 10 के 10 जो हैं वो न्यूडिज्म की फैंटेसी को एंजॉय करना चाहते हो। उनकी फैंटेसी में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो बीच पर जाके सेक्स करना चाहे, चाहे वो हाथों में हाथ डाल के डांस करते हुए न्यूड फोटोज खींचना चाहे, ये उनके ऊपर है।
ये लोग अपनी जवानी में भी अपने बचपन को जीते हैं, मतलब 5 साल के बाद तो कोई भी बच्चा नंगा होकर नहीं घूमता ना, और अगर वो नंगा होकर घूमे भी तो जो पेरेंट्स होते हैं वो खुद थप्पड़ मार के बिठा देते हैं कि चल चड्डी पहन कर आ। तो ये लोग जो होते हैं अपने इस बचपन को दोबारा जीते हैं और बार बार जीते हैं। उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहेगी, क्योंकि वो दुनिया के सामने तो वैसे भी नंगे नहीं हो रहे ना, अपने जैसे माइंडसेट वाले लोगों के साथ वो न्यूड हो रहे हैं और मजा ले रहे हैं। ये लाइफस्टाइल कपल न्यूडिज्म को इसलिए भी इंजॉय करते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं खुद को किसी ना किसी वे में फ्री रखना चाहते हैं। मतलब आप कितने ऐसे बीचेस देखोगे जहां पे मेल फीमेल आपको न्यूड घूमते हुए दिख जाएंगे। एवरेज लुकिंग कपल्स होते हैं, बिग वैली ऐसे लटकी हुई होती है उनकी, हाथों की स्किन झूल रही होती है, गर्दन की स्किन झूल रही होती है, वो अपनी एवरेज लुक के साथ भी और उनकी जो प्रेजेंट बॉडी की जो कंडीशन होती है उसके साथ भी वो प्राउड फील कर रहे होते हैं और खुश होते हैं कि हाँ ये मैं हूँ और ये मेरी बॉडी है। जबकि जनरली क्या होता है कि ज्यादा से अगर किसी इंसान की एज बढ़ने लग जाए तो वो कॉन्शियस हो जाता है, अपने चेहरे पर पड़ी हुई झुर्रियों को छुपाना शुरू कर देता है मेकअप से, अपने कपड़ों को और खुला ढीला ढाला पहनना शुरू कर देगा कि मेरा टम्बी जो है वो ज्यादा ना दिखे, उसके अगर आर्म्स में वो कसाव नहीं है तो वो फुल स्लीव की टी शर्ट शर्ट पहनना शुरू कर देगा। तो ये सारी चीजें लोग करते हैं, लेकिन ये लोग अपनी प्रेजेंट कंडीशन के साथ भी फुल प्राउड के साथ घूमते हैं। एंड लास्ट में यही कहूंगी कि न्यूडिज्म को फॉलो करने वाले जो लोग होते हैं वो कुछ अलग ही माइंडसेट के लोग होते हैं, और जो लाइफस्टाइल कपल होते हैं वो इस चीज को भली भांति समझते हैं, इसलिए वो इसे फुल्ली एंजॉय करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि लाइफस्टाइल में न्यूडिज्म का क्या मतलब होता है। और हाँ, एक चीज और कि मैं अपना जो पुराना चैनल था लाइफस्टाइल द हॉटेस्ट फ्यूचर जो मैंने अभी बनाया था उसे मैं कम्प्लीटली डिलीट कर चुकी हूँ, उस पर कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगी और कम्प्लीटली डिलीट हो चुका है चैनल। अब लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो वीडियोस होंगी वो इस चैनल पर अपलोड होगी जिसे आप अभी देख रहे हैं, लाइफस्टाइल द हॉटेस्ट ओनली। तो जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।